तो सब बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले रोनित रॉय को भला कौन नहीं जानता। एक्टर अपने लुक्स और दमदार एक्टिंग की वजह से फैंस के दिलों पर राज करते हैं। फिलहाल एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। 58 साल की उम्र में दोबारा शादी करने को लेकर रोनित रॉय सुर्खियों में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर एक्टर ने किससे दूसरी शादी की है। दरअसल दोस्तों, रोनित रॉय ने जिससे शादी की है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी नीलम बोस रॉय है, जिसके संग उन्होंने दोबारा शादी कर ली है। जी हाँ, रोनित रॉय ने अपनी 20वीं शादी के सालगिरह के खास मौके पर बेबी संग दोबारा साथ फेरे लिए। एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का वीडियो शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है। रोनित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी के कई वीडियो शेयर किए, जिसमें कपल 20 साल बाद फिर से शादी के सात वचनों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान रोनित और नीलम का बेटा अगस्त्य बोस भी मम्मी पापा की शादी को एंजॉय करते हुए दिख रहा है। शादी के दौरान रोनित रॉय की पत्नी नीलम लाल रंग की साड़ी पहने और गहनों से सजी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार नजर आई। वहीं रोनित रॉय सफेद और लाल रंग का कुर्ता पजामा पहने दिखे। आपको बता दें कि रोनित रॉय ने साल 2003 में एक्ट्रेस और मॉडल नीलम संग दूसरी शादी की थी। नीलम के साथ उनके दो बच्चे हैं। वहीं नीलम से पहले एक्टर की शादी चौहाना नाम की महिला से हुई थी और इस शादी से उन्हें एक लड़की भी है। हालांकि रोनित रॉय की पहली शादी कुछ ज्यादा लंबी नहीं चली थी। गौरतलब है कि रोनित रॉय ने कई सारी सीरियल्स में दमदार और कई सारे इम्प्रेस रोल किए। टीवी सीरियलों के अलावा एक्टर ने फिल्मों में भी काम किया है। तो कि दोस्तों, रोनित रॉय की इस शादी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।